नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इराल के गोपचरपाड़ा की मकवाना कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 1 की सोसाइटी में अवैध मोबाइल टावर से परेशान क्षेत्रवासी ने मनपा प्रशासन और संपूर्ण सिस्टम के भ्रष्टाचार की खोली पोल। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, कई सारे मोबाइल टावर है और उनमें से अक्सर टावर अवैध है, मनपा के बगैर परमिशन के लगवाए गए हैं। कई सोसाइटी अपनी आय को बढ़ाने नियमों को ताक में रखकर अंधाधुंध तरीके से अपनी बिल्डिंग में छत पर टावर को लगवा देती है। जिन टावर से निकलने वाले रेडिएशन से कई प्रकार की तकलीफ का सामना आम लोगों को करना पड़ता है। खासकर अधिक रेडिएशन की वजह से हर प्राणी, फिर चाहे वह इंसान हो या कोई पशु पक्षी, सभी को अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम यह नहीं कह रहे कि वसई विरार में लगा हर एक मोबाइल टावर अवैध है और उसमें तय सीमा से अधिक रेडिएशन निकलती है, लेकिन यदि वास्तव में किसी टावर से अधिक रेडिएशन निकल भी रही है तब भी उसको चेक करने का जिम्मा सरकारी विभाग का है। अब जब टावर ही अवैध होगा, सरकारी विभाग में उसकी नोंद ही नहीं होगी, तो उसका रेडिएशन मापेगा कौन? खैर, यहाँ हम बात करें विरार गोपचरपाड़ा के मकवाना कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 1 में लगवाए गए अवैध मोबाइल टावर की। तो आपको बता दें कि इस टावर को लेकर विवाद शुरू है और सोसाइटी के निवासी टावर का विरोध कर रहे हैं। उक्त सबके कई सदस्य मोबाइल टावर के विरोध में है, ऐसा दावा सोसाइटी के ही एक रहवासी आमिर रोशन सैयद ने किया है। साथ ही साथ आमिर रोशन सैयद ने सोसाइटी में जारी अनियमितताओं का भी खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आमिर ने आरोप लगाया कि उनकी बिल्डिंग पर पूर्व में मोबाइल टावर लगाए हुए हैं, जिनके दुष्परिणाम सभी सोसाइटी वाले झेल रहे हैं। ऊपर से सोसाइटी पैसा कमाने के लालच में और नया टावर लगाने की सोच रही है, जिसमें सभी सदस्यों को विश्वास में लिया नहीं गया है। वीडियो में पहले आमिर सैयद ने क्या आरोप लगाए हैं वो आप सुनिए, देखिए, फिर वीडियो में आगे प्रशासन के भ्रष्टाचार के और नए खुलासे हम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम आमिर रोशन सैयद है। कहाँ रहते हो आप? मैं विरार ईस्ट मकवाना कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। क्या समस्या है आपको? जी, ये अनधिकृत मोबाइल नेटवर्क टावर है, वहाँ पे लगाया हुआ है, उसके बिल्डिंग के ऊपर ही लगाया हुआ है। क्या पे आप रहते हैं? हाँ। क्या नाम है उस बिल्डिंग का? मकवाना कॉम्प्लेक्स। किसने बनाई है? बिल्डर जितेंद्र प्रभुदास मकवाना, मकवाना बिल्डर। अब बताइए, ये बिल्डिंग पे मोबाइल नेटवर्क टावर लगाया गया है, जो कि हमारे पास जानकारी है महापालिका का दिया हुआ है, नगर रचना विभाग और फायर डिपार्टमेंट के, ये टावर अनधिकृत है, इल्लीगल है। इसको लेकर हमने नगर रचना विभाग में कंप्लेन दाखिल किया था 19/9/2022 को। उसके चलते वही कंप्लेंट हमने विरार पुलिस स्टेशन में भी दिया गया था और वही कंप्लेंट हमने महाराष्ट्र शासन उपनिबंधक तालुका उपनिबंधक को भी दिया गया था, लेकिन तालुका उपनिबंधक और विरार पुलिस स्टेशन का कहना है कि ये हमारे अंतर्गत में नहीं आता, इस पे कार्रवाई जो है महापालिका करेगी। महानगर पालिका से जो पिछले सह आयुक्त गणेश पाटिल प्रभाग समिति सी के थे, उन्होंने इनको नोटिस जारी किया कि MRTP आप अपना डॉक्यूमेंट सादर करिए, अदरवाइज आपके ऊपर MRTP ऑफेंस जारी किया जाएगा। और वो नोटिस उन्होंने 7 दिसंबर 2022 को जारी किया था, एंड टिल द डेट आज तक उनपे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही इन्होंने इनका कोई कागज पत्र सादर किया है। ये टावर से तकलीफ क्या होगी? हम सब जानते हैं, आप भी जानते ही हैं कि इससे काफी बीमारियां फैलती है और ये खास करके बच्चे और बूढ़ों के लिए, ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। बिल्डिंग की आपकी सोसाइटी होगी तो क्या ये सोसाइटी में इंटरनली ये मामला हल नहीं हो सकता था? नहीं, हमने इंटरनली ये कंप्लेंट की थी, लेकिन जैसे पिछले साल जो जनरल मीटिंग हुआ था उसमें मैनेजिंग कमेटी के एक सदस्य ने उठ करके ये नोटिस को लेके बोला कि हमारे पीछे तुम ED, इनकम टैक्स, CBI, आपको जिसको लगाना है लगाओ, हमने नीचे से लेके ऊपर तक सबको मैनेज किया हुआ है, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़। ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा उनके तो शब्द कुछ और ही थे, बहुत गंदी तरीके से उन्होंने शब्द बोले, वो मैं अभी कैमरे पे बोल भी नहीं सकता हूँ। ये शब्द आए क्यों? क्या इससे इस तरह का व्यवहार हो रहा है? क्या ऐसे पैसे की आवक हो रही है कि जिसका हिसाब किताब ना हो? हाँ जरूर, हमने इससे कंप्लेंट किया था, हमने इनसे हिसाब किताब मांगा इस चीज का, इनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है सोसाइटी के पास। हम इनसे बार बार कंप्लेंट मांग रहे हैं, अभी इनको सब रजिस्ट्रार ने बार बार नोटिस दिया गया है कि इसका हिसाब सादर करो, इनके पास इसका जवाब ही नहीं है। इसके बाद आपके क्या कदम होगा अगर नहीं कार्रवाई होती है तो?
अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा अगला स्टेप यही है कि वहां पे जितने भी लोग हैं जो इसके अगेंस्ट है, जो चाहते हैं कि यह टावर नहीं ले, तो हम उन सबको लेके हम वहां पर मंत्रालय में या फिर सीएम हाउस के यहाँ पे हम आंदोलन पे अब उपोषण पे बैठ जाएंगे। अच्छा, जो लोग इस टावर को लगाने के पक्ष में, क्या उन लोगों की ओर से कोई दबाव, कोई स्टेप का माहौल आपके खिलाफ बनता है? जी मुझे काफी परेशान किया गया है सोसाइटी के अंदर कि ये कंप्लेंट वापस लीजिए या क्या इशू है आपका वगैरह, लेकिन हम उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। अब अभी जब ये डॉक्यूमेंट हमें शो कर रहे थे तब आपने बताया कि उपनिबंध का आपके पास में लिखा लिखा हुआ है कि सोसाइटी रजिस्टर ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल, सब रजिस्ट्रार ने लिख के दिया हुआ है, ये देखिए सब रजिस्ट्रार ने लिख के दिया गया है कि ये सोसाइटी इस नाम से यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे ये सोसाइटी में फ्लैट रजिस्टर हो रहे हैं, ये फिर किस नाम से रजिस्टर हो रहे हैं जब ये सोसाइटी यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई है, 400 BC हुआ है, जितने भी टेनेंट वहां रह रहे हैं वो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, चाहे वो अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर रहे हो या चेक दे रहे हो, तो वो किस नाम से दे रहे हैं, मकवाना कॉम्प्लेक्स के नाम से दे रहे हैं ना, तो फिर ये किस नाम से सोसाइटी इन्होंने रजिस्टर की है उधर पे? मेंटेनेंस पावती आती है वो किस नाम से आती है? मकवाना कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 1, इस नाम से हमको सोसाइटी की पावती आती है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो इससे संबंधित जो भी लोग हैं इनके ऊपर कायदेशीर जो भी गुनाह दाखिल होता है उस पर गुनाह दाखिल करो, और ये मुझे अकेले को नहीं और भी लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिले इसके बदले में। इसमें कहीं भी जो बउया के सभापति रह चुके हैं भरत मकवाना, उनका कुछ इन्वॉल्वमेशन नहीं, उसमें इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो है वो मकवाना किसके नाम पे है? नहीं, ये आपने जिनका नाम लिए ना ये उनके ब्रदर है जो बिल्डर है, उन्होंने बिल्डिंग बनाई जरूर है लेकिन उन्होंने 2010 में सोसाइटी हैंडओवर कर दिया था, 2010 से ये सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी इनके हाथ में, बिल्डर के हाथ में नहीं है। सोसाइटी रजिस्टर भी नहीं हुई और ये बना के चला रहे हैं? ये बना के चला रहे मैनेजिंग कमेटी जो है सोसाइटी, और 2010 में इन्होंने हैंडओवर दिया था बिल्डर ने हमें, और आज 2024 है। आपको जो अपशब्द बोला गया था वो किसने बोला था? मैनेजिंग कमेटी के ही सदस्य है, उन्हीं का कहना था कि जो करना है कर लो, हमारा कुछ नहीं होने वाला। चेयरमैन सेक्रेटरी ऐसा कुछ पदाधिकारी ट्रेजरर, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर थे जिनका ये कहना था। आखिरी चुनाव कब हुआ? पिछले साल हुआ। वो कौन किसने करवाया? आप जो बोल रहे उपनिबंध ने ऐसा लिख के दिया है कि ये सोसाइटी रजिस्टर नहीं है, तो क्या उपनिबंध इसमें चुनाव के समय थे वहां पर? उनका एक अधिकारी था वहां पे। आप मीडिया के माध्यम से इस तरह का न्याय चाहते? मैंने आपको बताया ना, मेरा यही है कि इनके ऊपर कायदेशीर जो भी है इसमें इन्वॉल्व, चाहे ये इसमें कोई भी आदमी हो, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, इसके ऊपर कायदेशीर जो भी गुना दाखिल होता है इस पे गुना दाखिल हो और वहां के लोगों को न्याय मिले। आपने आमिर सैयद के आरोप सुने, अब मनवा प्रशासन और खासकर रजिस्ट्रार के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट हाजिर है। दरअसल इस मामले में आमिर सैयद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आरोप लगाए उन आरोपों में कुछ अहम सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे कि आमिर सैयद ने जो भी आरोप लगाए हैं उसमें सबूत के तौर पर उन्होंने दस्तावेज भी दिखाए हैं, इन दस्तावेजों को देखने पर कई अनियमितता व भ्रष्टाचार साफ दिखाई देता है। पहले बात करें अवैध मोबाइल टावर के विषय की, तो बिल्डिंग में लगे टावर अनधिकृत है ऐसा दावा आमिर सैयद ने किया, जिसके सामने आमिर सैयद ने मनपा अग्निशमन पुलिस एवं रजिस्ट्रार कार्यालय में माहिती अधिकार कायदे में अर्ज करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दिए गए जवाब पत्र वही मनपा द्वारा अनधिकृत बांधकाम को MRTP एक्ट के तहत निकाले गए नोटिस दिखाए। अनधिकृत बांधकाम पर कार्यवाही किया जाने का अधिकार और जिम्मा मनपा प्रशासन का है, लेकिन मनपा प्रशासन कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के घर में फिर एक और सवाल पैदा हो जाता है कि क्या मनपा प्रशासन ने कोई लेन देन करके इन अनधिकृत टावर को संरक्षण दे दिया है, या इन बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर के रसूख के चलते मनपा कार्यवाही से लाचार है। अब फिर आपके ध्यान में एक सवाल यह आया होगा कि आखिर बिल्डर है कौन जिसका इतना रसूख है, तो आपको बता दें इस बिल्डिंग जिसका नाम मकवाना कॉम्प्लेक्स है, वह नाम खुद ही इसके बिल्डर के रसूख को दर्शा रहा है। जी हाँ, यह बिल्डिंग नालासोपारा के पूर्व सभापति
बहुजन विकास आघाड़ी के कद्दावर नेता भरत मकवाना के छोटे भाई जितेंद्र प्रभुदास मकवाना द्वारा बनवाई गई है। हो सकता है कि मकवाना बिल्डर का नाम सुनकर मनपाधिकारियों को कार्रवाई करने से डर लग रहा हो। हालांकि आमिर सैयद ने अपने बयान में पूर्व सभापति भरत मकवाना के किसी भी तरह की संलिप्तता से इंकार किया है और हम भी भरत मकवाना के किसी तरह के इंटरफेयर करने का आरोप नहीं लगा रहे। हम सिर्फ संभावना की बात कर रहे हैं। बात करें लेन देन पर कार्यवाही नहीं किया जाने की तो उसके पीछे बड़ा कारण है। आप सभी जानते हैं यह मामला आता है मनपा प्रभाग समिति सी चंदनसार क्षेत्र में, जहां पूर्व के सहायक आयुक्त जिनका सिग्नेचर उन बिल्डिंग को निकाले गए नोटिस पर है, वह है निलंबित मनपा अधीक्षक गणेश पाटिल, जिन पर मनपा अधिकारी अरुण जानी, जिसने मनपा घर पट्टी वसूली के किए गए पैसों का अपहार किया था, उसको बचाने के चलते निलंबन की कार्यवाही हुई थी। गणेश पाटिल के साथ ही प्रभाग समिति सी चंदनसार के वरिष्ठ लिपिक विजय विनोद गोतमारे, जिन पर भी पिछले दिनों सामने आए बोगस सीसी मामले में कई संगीन आरोप लग चुके हैं और विजय गोतमारे को ही बिल्डरों से सेटिंग करवाने वाला मास्टरमाइंड भी लोग बताते हैं। खैर, मनपा प्रशासन के कार्यभार से हम सभी अच्छे से वाकिफ है। अब हम चलते इस मकवाना कॉम्प्लेक्स मामले के दूसरे पक्षकार रजिस्ट्रार कार्यालय के कार्यभार की तरफ। तो आपको बता दें, आमिर सैयद ने जो दस्तावेज हमें उपलब्ध करवाए हैं और आमिर ने जो अपने बयान में कहा है, उस पर गौर करने पर रजिस्ट्रार कार्यालय का भ्रष्टाचार भी साफ झलकता है। सबसे पहले रजिस्ट्रार कार्यालय शिकायतकर्ता की शिकायत को मनपा से संबंधित बताकर वहां वर्क कर देता है ताकि अपनी जान छुड़ा सके। इसके बाद जब शिकायतकर्ता माहिताधिकार सोसायटी के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज की मांग करता है तो उसमें रजिस्ट्रार कार्यालय लिख कर देता है कि उनके कार्यालय में सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मतलब बिल्डिंग की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। एक तरफ रजिस्ट्रार कार्यालय यह लिख कर देता है तो वहीं दूसरी तरफ रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी खुद बिल्डिंग में जाकर बिल्डिंग की सोसाइटी पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया भी करवाता है। तो सवाल यह है कि अगर बिल्डिंग की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो चुनाव कैसे करवाए गए। इस मामले में शिकायतकर्ता ने लाखों रुपए के गबन का आरोप भी सोसाइटी पदाधिकारियों पर लिखित शिकायत में लगाया है, जिन सभी आरोपों की जांच किया जाना आवश्यक है। सवाल कई है जिनके जवाब तभी सामने आ सकते जब हम इस पूरे मामले की जांच हो। शिकायतकर्ता की शिकायत पर प्रशासन ध्यान दे और समुचित जांच करवाकर कायदानुसार कार्यवाही अंजाम दी जानी चाहिए। अब तक हमने एक पक्ष की शिकायतकर्ता आमिर सैयद की बात की, वही मामले में एक पक्ष सोसाइटी पदाधिकारी भी है, जिनकी बात करना भी हमारा फर्ज है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने जो भी आरोप लगाए तो वो सभी आरोप सही है या गलत, इसका फैसला तो जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन तब तक दूसरे पक्ष की बात नहीं किया जाना, दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किया जाना माना जा सकता है। इसी बात का ख्याल कर हमने सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी से फोन पर बात कर उनका पक्ष लेना चाहा। तब उनको मामले की भनक लगते ही दोनों मुख्य पदाधिकारियों ने जानबूझकर हमारे कॉल को इग्नोर करते हुए हमसे बात करने में अपनी रुचि नहीं दिखाई, जिस कारण हम उनका पक्ष आपके सामने रखने में असमर्थ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।